तो चलो भाई साहब, आज हम बात करने वाले हैं जवान मूवी के सॉन्ग्स के बारे में। आज से लेके 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जवान मूवी के सॉन्ग्स के रिकॉर्डिंग, जिसके अंदर जवान मूवी के अंदर कितने सॉन्ग होने वाले और फर्स्ट सॉन्ग कौन सा रिलीज होगा, क्या सीन है, कौन गाने वाले, उसको लेके प्रॉपर हम बात किए थे। अगर नहीं देखा हो तो आई बटन पे दे दूंगा या फिर इस वीडियो कंप्लीट करने के बाद देन उसको चेक कर लेना। तो यहाँ पे हम क्या बात करने वाले, सॉन्ग्स के बारे में बात करेंगे, यानी लेटेस्ट क्या रिपोर्ट आ रहे हैं, क्या नया अपडेट निकल के आ रहे हैं, कौन सा पहला सॉन्ग रिलीज होगा और क्या सीन चल रहा है, उसके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले। अगर आप लोग एक्साइटेड हैं वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो वो जो हमने वीडियो बनाया था उसके अंदर भी हमने काफी सारे चीजों के बारे में डिस्कस किया था कि सॉन्ग कितने होने वाले, कौन सा सिंगर पहला सॉन्ग गा रहा है, क्या सीन है, क्या सीन नहीं है, उसके बारे में टोटली हमने बात किया था। तो अभी ना कुछ नए रिपोर्ट्स निकल के आ रहे, उसके अनुसार यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जवान मूवी के अंदर टोटल कितने सॉन्ग होने वाले, कौन गाने वाले, क्या सीन है, कब तक हमें देखने को मिलेगा, वो सभी चीजें इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो दोस्तों जो बताया जा रहा है अभी फिलहाल कि जवान मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग होने वाले, उसके हिसाब से जो पहला ट्रैक आपको देखने को मिलेगा वो जवान का टाइटल ट्रैक ही होगा, यानी जवान में। ये जो टाइटल ट्रैक है यही शायद जितना बताया जा रहा है कि आपको देखने को मिलेगा। और एक रोमांटिक सॉन्ग है जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, शाहरुख भाई और नयनतारा, वो दोनों ही सॉन्ग के अंदर होने वाले और मोस्ट प्रोबेबली वो जो सॉन्ग है वो अरिजीत सिंह गाते हुए भी नजर आ सकते हैं। पक्का एकदम कंफर्म नहीं बोल सकता कि वही गाने वाले, लेकिन जितना बताया जा रहा है कि वो गाने वाले हैं। और जो थर्ड सॉन्ग होगा जो आपने देखा दीपिका पादुकोण है, जो आइटम सॉन्ग वाला भी आपने प्रीव्यू के अंदर भी थोड़ा सा देखा होगा, वो वाला जो है बताया जा रहा है कि सबसे पहले जो है वो ही रिलीज किया जाएगा, कुछ ये भी बताया जा रहा है। यानी जो पोस्ट क्रेडिट सीन यहाँ पे दीपिका पादुकोण का होने वाला आइटम सॉन्ग के अंदर रहने वाले हैं वो यहाँ पे सबसे पहले रिलीज होगा। जैसे पठान के अंदर भी आपने सुना होगा झूमे जो पठान कितना ज्यादा फेमस हुआ था, फिर बेशरम रोंग कितना ज्यादा फेमस हुआ था, उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि ये सॉन्ग पहले रिलीज करेंगे एक हाइप के तौर पर, देन बाकी टाइटल ट्रैक और लास्ट में जो है वो रोमांटिक सॉन्ग आपको मूवी के अंदर ही देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से बताया जा रहा है। लेकिन जितना यहाँ पे मेरे को पता चला है कि टाइटल ट्रैक जो है वो सबसे पहले रिलीज होगा, देन उसके बाद शायद से आपको ये जो पोस्ट क्रेडिट वाला सॉन्ग है वो भी देखने को मिले, यानी जो आइटम सॉन्ग यहाँ पे बताया जा रहा है, पार्टी एंथम सॉन्ग जो भी आप उसको कहो वो देखने को मिले। लेकिन जितना मुझे लग रहा है कि वो आपको नहीं देखने को मिलेगा, वो जब हम मूवी देखने के लिए जाएंगे तभी हमें देखने को मिलेगा। जिस तरीके से पठान के अंदर हमने झूमे जो पठान सॉन्ग एकदम लास्ट में देखा था, मुझे लग रहा है कि वैसा ही होगा, वो भी सॉन्ग एकदम तरकता भरकता होगा और वो भी सॉन्ग एकदम लास्ट में होगा। और जिस तरीके से पठान के अंदर लास्ट में सभी लोगों ने तरकता डांस किया था, उसी तरीके से जो है जवान के अंदर भी शायद वो सीन होने वाला है। क्या कहना आप लोग इस विषय में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हो। तो अब बात करते हैं कि रिलीज डेट की। ये जो पहला ट्रैक बताया जा रहा है कि रिलीज होगा, कब तक हमें देखने को मिलेगा, बताया जा रहा है जुलाई के, जी हाँ इसी मंथ के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। डेट बताया जा रहा है 25 से लेकर 26-27, 3 डेट टारगेट किया जा रहा है कि इसके अंदर आपको ये जो सॉन्ग रिलीज होता हुआ नजर आएगा। अगर ये हो जाता है तो कुछ दिनों के अंदर ही आप लोग का अनाउंसमेंट भी सुनने को मिले। और जवान के पिछले सॉन्ग वाले वीडियो के अंदर सॉन्ग के रिकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को क्या अपडेट दिए थे, क्या डेट बताया थे, 5th ऑफ अगस्त आप लोगों को रोमांटिक ट्रैक देखने को मिलेगा। देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि पहले तो यही अपडेट निकल के आ रहा था कि एक रोमांटिक ट्रैक ही रिलीज होगा, देन अभी ये बताया जा रहा है। अभी देखते आने वाले टाइम में सभी चीजें पता चली जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या कहना है आप लोग इस विषय में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते। बट एक चीज का भरोसा मैं आप सभी लोगों को दिला सकता हूं कि सॉन्ग कोई भी रिलीज हो लेकिन बहुत दमदार होगा, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर अपने अनिरुद्ध। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।